आपको ज़्यादा ज़्यादा मायने हो रहा है, तब आप क्या सोचेंगे क्यों आपको ये ज़्यादा मायने हो रहा है? किस टाइम में आप डॉक्टर के पास जाएंगे? जब देखेंगे आपको जो मायने हो रहा है, मायने यूजुअली क्या होता है, 2-3 दिन नॉर्मली होता है, आपको मायने 6-7 दिन हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, फिर आपको बहुत वीक लग रहा है, आपको हीमोग्लोबिन चेक करने के देखने का आप हीमोग्लोबिन गिर गया है बहुत। जैसे हीमोग्लोबिन नॉर्मली होता है 10 से 14 होता है, आपको हीमोग्लोबिन 7-8 आ गया है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसका हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है। इसके किस कारण में हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है? जैसे होता है ये बाल्की यूट्रस है, उसका साथ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे फाइब्रॉइड है, गांठ है यूट्रस में, उसमें आपको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या है, आपको डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, बहुत टाइम ऐसा होता है लेकिन कोई कारण नहीं है, फिर भी वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इसको बोलता हूँ डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग। इसमें भी आपको डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तीसरा क्या है, जैसे कोई एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, जो यूट्रस का अंदर जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये लेयर जब मोटा हो जाता, ठीक हो जाता, तब भी एंडोमेट्रियल ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, इसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर दूसरे कुछ कैंसर के लिए जिसका उम्र ज़्यादा है, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। तो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तो आपको समझना चाहिए, आपको 7-8 दिन ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा, आपको बहुत वीक लग रहा, आप अपना काम कर नहीं कर सकते, ठीक है, आपको ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हर हर चीज़ का ट्रीटमेंट अलग अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे आपके यूट्रस में गांठ है, तो क्या करते हैं, आपको उम्र कम है, तो आप लोग ऐसे मायोमेक्टमी कर सकते हैं, सो ओनली वो ट्यूमर को आप निकाल सकते हैं, और आपको ज़्यादा उम्र हो गया, आपका हीमोग्लोबिन बार बार गिर रहा, तो आपको यूट्रस को भी बांध दे सकते हैं। आजकल ये सब सर्जरी लैप्रोस्कोपी के जरिए, माइक्रो सर्जरी के जरिए हम लोग कर सकते हैं। दूसरा कोई एडेनोमायोसिस है, जिसके यूट्रस बहुत बड़ा हो गया, बहुत पेन हो रहा है, आपको फैमिली कॉम्प्लेंट है, उसमें भी आप लोग यूट्रस को निकाल सकते हैं। फिर दूसरा कोई एंडोमेट्रियल कैंसर है कुछ है, उसमें यूट्रस वगैरह सब कुछ को एक साथ निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको हर केस में ऐसा मत सोचिए हैवी ब्लीडिंग हो रहा है मतलब आपका कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर 99% केस में कुछ नहीं होता, वो डॉक्टर के पास जाके आपको और एक ट्रीटमेंट है जो हम लोग आजकल करते हैं, इसका ब्लीडिंग हैवी हो रहा है, हम लोग आजकल छोटा एक ऑपरेशन करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या है, हिस्ट्रोस्कोपी यूट्रस का अंदर बच्चा देने के अंदर एक स्कोप डाल के यूट्रस का अंदर हम लोग देख सकते हैं, यूट्रस का अंदर कोई पॉलिप दूसरा कुछ सबम्यूकस फाइबर है कि नहीं, उसको हम निकल सकते हैं। एक छोटा ऑपरेशन, वो डे केयर सर्जरी है, दिन में उसी दिन होती है, उसी दिन छुट्टी हो जाता है, तो इसी में आपको बहुत सारा फायदा होता है। सो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके सलाह नहीं लेना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर शंकर दास महापात्र, मैं 25 साल से कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने भागीरथी नेवाटे हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर नीडाउन से जुड़ा हुआ हूँ।